नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। कर्नाटक पे मंदिरों पर टैक्स वाला मामला तूल पकड़ रहा है। बीजेपी ने इसे जजिया कर करार दिया है। एक दिन पहले कर्नाटक में 1 करोड़ से अधिक सालाना आय वाले मंदिरों की आय पर 10% कर लगाने से जुड़ा विधेयक विधान परिषद में गिर गया। 2 दिन पहले ही ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित हुआ था। इस विधेयक पर कर्नाटक में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में सरकारें हिंदू विरोधी नीतियां लगातार लागू कर रही है। पहले तो ये प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, हिंदुत्व आईसिस बोको हराम है, कांग्रेस के कर्नाटका के ही नेता है जिन्होंने कहा हिंदू गंदा शब्द होता है। 10% का कर मंदिरों पर लगाना और वोट बैंक में बांटना, ये कांग्रेस पार्टी अपने हिंदू विरोधी चेहरे का एक और प्रमाण शायद देने के लिए उत्सुक है। कांग्रेस की विधान परिषद में एनडीए यानी कि बीजेपी के गठबंधन के पास सत्ताधारी कांग्रेस से अधिक संख्या बल है। कांग्रेस के 30 MLC हैं जबकि बीजेपी के पास 35 MLC हैं। इसके अलावा 8 MLC बीजेपी के गठबंधन सहयोगी JDS के पास है। कर्नाटक में लाए जा रहे कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबसी संशोधन विधेयक 2024 कानून के तहत सरकार सालाना 1 करोड़ से अधिक आय वाले मंदिरों से आय पर 10% का टैक्स ले सकेगी, जबकि 10 लाख से 1 करोड़ तक आय वाले मंदिरों से 5% टैक्स लिया जा सकेगा। बीजेपी ने इस विधेयक के बाद कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए हैं, जबकि इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस का तर्क है कि ये एक्ट पहली बार 2003 में ही लाया गया था। मंदिरों से टैक्स लेने की प्रथा या कानून नया नहीं है। 2001 से ही राज्य में हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड एंडोमेंट कानून है। सिद्धारमैया सरकार ने बस इसमें एक संशोधन किया है। संशोधित कानून के तहत जिन मंदिरों की सालाना आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है उन्हें अपनी कमाई का 10% कॉमन पूल फंड यानी कि CPF में देना होगा। इसी तरह सालाना 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की आय वाले मंदिरों को अपनी आय का 5% उसी फंड में जमा करना अनिवार्य होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गंडू हैं, उनका कहना है कि बीजेपी इस बारे में भ्रांति फैला रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छोटे मंदिरों की मदद के उद्देश्य से ये विधेयक ला रही है। वहीं CM सिद्धारमैया का कहना है कि विधेयक को लेकर तमाम तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं जो सही नहीं है, ताकि इसको लोग धार्मिक आधार पर मतभेद पैदा किया जा सके। बीजेपी ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ दल पर मंदिरों के पैसों से अपना खाली खजाना भरने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। राज्य सरकार का तर्क है कि साझा योगदान वाले फंड यानी कि कोष की राशि बढ़ाने, अधिसूचित संस्थानों के प्रबंधन समिति में विश्व हिंदू मंदिर वास्तुकला व मूर्तिकला में कुशल व्यक्तियों को शामिल करने, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए मंदिरों और उसके बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए जिला और राज्य स्तरीय समितियों का गठन करना जरूरी था। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक विधानसभा में पारित विधेयक को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर आलोचना की। उनका कहना है कि ऐसा करके राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी हर रोज एक नए निचले स्तर तक गिर गई है। हर बार जब आप सोचते हैं कि कांग्रेस इससे ज्यादा निचले स्तर तक नहीं गिर सकती, तभी पार्टी एक नए निचले स्तर पर गिरने का नया उदाहरण पेश कर देती है। रेड्डी का कहना है कि ज्यादा आय वाले मंदिरों से राजस्व जुटाने के लिए 2011 की भाजपा सरकार एक संशोधन लाई थी। उन्होंने ये भी बताया कि 1 मई 2023 को कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1997 लागू किया गया था। कर्नाटक में राजस्व के नजरिए से शीर्ष रेड़ी के 3000 मंदिर है। इनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है। ऐसे मंदिर धार्मिक परिषद को कोई पैसा नहीं देते। आपको बता दें कि धार्मिक परिषद तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर प्रबंधन में सुधार करने वाली एक समिति है। वहीं 5 लाख से 25 लाख तक आय वाले मंदिरों को बी कैटेगरी में आते हैं। इनकी आय का 5% 2023 से ही धार्मिक परिषद को जाता है। अब हमने 10 लाख रुपए तक की आय वाले मंदिरों को धार्मिक परिषद को किए जाने वाले भुगतान से छूट दे दी है।
राज्य सरकार इसमें अलग अलग तर्क बता रही है कि इस कानून के अंदर दरअसल है क्या, लेकिन भाजपा सरकार बार बार इस मामले में राजनीति तेज कर रही है। उनका कहना है कि जिस तरह से कर्नाटक में राज्य में हिंदू मंदिरों के ऊपर जो ये अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुगलों के समय में जजिया कर लगाया जा सकता था। अब इस मामले को लेकर अलग अलग तर्क किए जा रहे हैं दोनों में। हालांकि ये मामला विधान परिषद में एक दिन पहले गिर गया है और ये जो पूरा धार्मिक मामला है अब इसको तूल दिया जा रहा है। इसमें तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जो हिंदुओं के मंदिरों से जो पैसा आएगा उसको राज्य सरकार दूसरे और अपने फंड में जमा करेगी और दूसरे धार्मिक संस्थानों को इससे मदद करेगी। हालांकि इसमें सच्चाई यही है कि इसका उद्देश्य बनाने का, जो कि सरकार का जिस प्रकार का कहना है कि जो छोटे मंदिर हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वहां पर लोगों को असुविधा होती है, वहां तमाम तरीके के बुनियादी ढांचे को डेवलप करने की भी आवश्यकता है, इसलिए इस फंड से जो पैसा मिलेगा हम उन छोटे मंदिरों को डेवलप करेंगे, वहां पर लोगों के लिए सुविधाएँ करेंगे और जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था मजबूत की जाएगी।